Patna. Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अच्छा, उसके बाद आपने एक शॉर्ट बुक जो है वो पब्लिश कर दी फर्स्ट करें, जैसे आपने फेसबुक पे भी पब्लिश कर सकते हो, आप कहीं भी कर सकते हो, आप उसके अपने जहाँ पे आपकी बुक पब्लिश हुई है वहाँ का लिंक आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हो। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग फेसबुक पे भी, हम लोग पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, फेसबुक पे हम पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं। आपको मेरा पॉइंट समझ आया बच्चों? तो मैं बता रही थी कि फेसबुक पे भी हम पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए होते हैं, हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाते ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि हमें पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहिए, हमें पाकिस्तान के बाहर के लोगों से इंटरेक्शन होनी चाहिए हमारी। तो अगर हमारी यूएसए यूके के क्लाइंट से इंटरेक्शन है तो फिर हम उनके पेजेस हमने लाइक किए हुए, हमारी उनके ग्रुप्स में बात हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पोएट्री ग्रुप्स हमने ज्वाइन किए हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से मजाक हंसी मजाक कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल भी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल रहे, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए बुक्स। और फिर हम मजे की बात है, जब बुक पब्लिश करेंगे तो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी बुक पढ़े। भाई कैसे, आप उनसे इंटरेक्शन तो आपका होना, किसी को पता तो चले कि कोई फेसबुक पे अमरीन बैठी हुई है और वो बुक पब्लिश हुई है उसकी, उनको कैसे पता चलेगा? तो यही बात है। तो अब हम लोग यही करते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहे, और फिर एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पूरी दुनिया हमारी बुक पढ़े और वो बिग टाइम हिट हो जाए। और फिर जब वो बुक ऐसा नहीं होता उसके साथ कुछ सीन, तो फिर हमारा दिल इतनी बुरी तरह से टूटता है कि हम जिंदगी में फिर कभी बुक लिखने का सोचते भी नहीं है। हमारे से ये सीन होता है भाई, पाकिस्तान से बाहर जाओ, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं जो बुक पब्लिश कर रहे हैं उनका, उनके पास यही तो एडवांटेज है कि वो मतलब बाहर के लोगों से उनका इंटरेक्शन है और वो पढ़ रहे हैं उनकी बुक्स, वो बाहर ही उनको प्रमोट कर देते हैं। आप लोग ऐसा करें, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऐसा करना है कि फेसबुक पे आप पाकिस्तान में ना बैठें। अगर आपको कोई फैमिली की तरफ से इश्यूज हैं फेसबुक पे, तो आप एक और आईडी बनाएं जिस पे आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, क्योंकि आप पाकिस्तान के बाहर के रीडर्स से आप बात करें, और बिल्कुल आप पाकिस्तान के रीडर्स, बाहर के रीडर्स से बात करें, पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ता इतना। हम लोग असल में, मुझे अगर कोई कहे ना कि यार फलां बुक आई हुई है बहुत अच्छी है जाके पढ़ लो $20 की, तो नहीं यार, ये तो सारा कुछ ये तो नेट पे मिल जाता है, मैं क्या करूँ पढ़ के। तो हमारा ये सीन है, इवन यहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह पे कोई मिस्टर बुक की कोई एक ब्रांच थी जो उन्होंने ये कह के बंद कर दी कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायलेंस है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे इन लोग, ये लोग डिजर्व नहीं करते कि इनको अच्छी बुक्स दी जाए, और ये उन्होंने अपनी उस बुक स्टोर के बाहर लगाया हुआ है। तो बिल्कुल, तो ऐसा सीन है कि हम लोग बुक्स नहीं पढ़ना पसंद करते, पाकिस्तानी बहुत बहुत रेयर हो चुके हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो बहुत क्वालिटी बुक्स पढ़ते हैं, और पाकिस्तान में बहुत बहुत क्वालिटी बुक्स हैं भी। तो आप लोगों को क्या करना है, प्लीज आप लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, फेसबुक पे भी, तो आप लोग ऐसा करें कि भाई पाकिस्तान से बाहर चले गए, आपने फेसबुक पे नए दोस्त बना लिए, वहां पे आप लोगों ने उनके पेजेस, जो भी बुक्स के मतलब बुक्स के हवाले से उनके बहुत सारे पेजेस होंगे जैसे हमारे होते हैं, तो उनके पेजेस अब आप लोगों ने विजिट किए हैं, वहां पे वो लोग अपनी बुक्स प्रमोट करते हैं, आप लोग वहां जाके अपनी बुक्स प्रमोट करेंगे, ठीक है? वहां जाके आप प्रमोट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कैसे आपके पास ट्रैफिक आएगी, आपके पास ऑडियंस कैसे आएगी, आपकी बुक पढ़ेंगे फिर आपको उसके रिव्यूज मिलेंगे। तो आपने ये काम करना है, ठीक है? आप लोग अब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, उसके बाद आपने क्या किया है कि अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो। ब्लॉग के भी थोड़े से होते हैं, मतलब कह लें कि गाइडलाइन होती है उनको भी करने के लिए। तो उसके बाद आपने वही बात है कि राइटिंग ग्रुप्स ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके आप उनसे बातचीत करें और उनको बताएं कि भाई इस तरह से है, और फिर उनका अगर ऑनलाइन कोई मीटअप हो रहा है तो आप वहाँ जाके उसमें भी पार्ट लें, ताकि लोगों को पता चले, जितने लोगों को पता चलता जाएगा उतना आपका नाम आएगा, ठीक है? अब आपने कहीं भी किसी भी, अगर आपको कोई भी अपना ब्लॉग का नाम सोचें एंड आपकी जीमेल जो आईडी है वहाँ पे आप ब्लॉगर पे चले जाएं, ब्लॉगर पे मोस्टली बनते हैं ब्लॉग, तो आप ब्लॉगर पे चले जाएं, या
आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं, मेरे पास था एक वर्डप्रेस वाला मुझे भूल गया, और इन पे आप जाके स्टार्ट कर दें, आप नाम लिखेंगे उसका जो भी नीचे होगा वो लिखेंगे और बस स्टार्ट कर दें, देन वहाँ पे आप आर्टिकल वगैरह जो भी चीज़ आप पोस्ट करना चाहते हैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दें और आपका ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, देन उसको शेयर करें, उसके ऑडियंस बिल्ड करें, ये सारा सीन करना है, बहुत ईजी है। और ब्लॉग का ये रूल होता है कि आपको रोज का रोज कुछ ना कुछ लिखना ही होता है उस पर, इस तरह से उस पर ट्रैफिक जनरेट होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक बंदा है वो रोज की अपनी डायरी लिख रहा है रोज की, वो कुछ भी नहीं लिख रहा, वो सिर्फ अपने दिन में होने वाले सारा लिख रहा है कि भाई मेरी डायरी है, मेरा ब्लॉग है, इसमें मैं अपनी डायरी लिखूंगा, तो लोग आते हैं उसको पढ़ते हैं, उस पर कमेंट्स भी करते हैं और फिर इतना उसके पास ट्रैफिक आती रहती है। क्यों? क्योंकि वो रोज के रोज लिखता है। हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉग बना लिए, महीने बाद लिखना शुरू किया, फिर एक हफ्ता छोड़ा है, फिर एक हफ्ते बाद लिखना शुरू किया, तो इस तरह से नहीं चलता। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट जो है वो पीछे रह जाती है जिन्होंने इतना इतना पैसा लगाया होता है, लेकिन ब्लॉग्स लिखने वाले आगे निकल जाते हैं, मोस्टली ऐसा भी होता है।